सीडीओ संजय कुमार मीना ने 8 नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में 8 नवंबर को मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि शासन के द्वारा चल रही योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। हमारा प्रयास है कि जनपद के सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, जिसको देखते हुए तहसील स्तर पर 6 नवंबर को फ्री मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिनमें सभी विभाग अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाएंगे और लोगों को योजना के बारे में बताएंगे। यदि कोई लाभार्थी योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद भी यदि कोई लाभार्थी वंचित रह जाता है तो 8 नवंबर को प्रेक्षागृह में आकर योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा 12 नवंबर को जनपद के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी SDM को निर्देशित किया गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करें। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, CRO सुशील कुमार गौड़, SDM सहजनवा सुरेश राय, SDM खजनी सिद्धार्थ पाठक, चौरी चौरा तहसीलदार नीलम तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, ये देखो कि ग्यारह का आपके यहाँ से आपके यहाँ पर इसके अलावा जो लाभ दे सकते हैं आप वहाँ पर हाँ तो आप देख लीजिए। इसके अलावा जिला कुर्ती अधिकारी आपके यहाँ से देख लीजिए आपके राशन कार्ड वगैरह शुरू कर सकते हैं और कोई स्कीम इसके अलावा आपके यहाँ जो भी है आपको भी इसमें हो सब्जियों के संबंध में जो लाभ आप देते हो या किसी समिति को कोई सर्टिफिकेट है कोई हर विभाग किसी किसी एजुकेट साहब योजना है उसके लाभार्थी को बुला कर आप वहाँ पे उनको लाभान्वित कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो वगैरह पर। ठीक है, डाकघर से जो चल रही है स्कीमें तो उसके लिए लाभार्थी उनको बुला के आप वहाँ पे ला सकते हैं। तो इनके लाभार्थियों को आप सर्टिफिकेट और चाबी वगैरह दिला सकते हैं और कोई स्कीम आपके यहाँ इसके अलावा शौचालय वगैरह का कल कैंप जो हमारे आयोजित हो रहे हैं तहसीलों में उनमें भी आप सभी डिपार्टमेंट्स को बढ़ चढ़ के बुला सकता है कि वहाँ की भीड़ अब बोला कीजिए यहाँ पे आप जिले से आयोजित करेंगे बोला से यहाँ को नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के वहीं पे कैंप लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो स्टाफ है उसकी आप करके अधिकारी अपने वहाँ के लोकल स्टाफ को बोलिए और वहाँ पे विजिट करिए और वहाँ के लोगों को वहीं पे लाभ प्रदान करिए अपनी स्कीमों का प्रचार प्रसार तहसीलों में भी लोग लोग से करिए। ऐसा नहीं तहसीलों का कार्यक्रम आपने नेगलेक्ट कर दिया, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। आप जितना बड़ा कार्यक्रम हमारा जिले पे मेगा लीगल कैंप का होगा उसी तरह का अपेक्षा कर रहे हैं कि तहसीलों में भी होगा और तहसीलों में भी उसी स्तर पर सभी लोगों को सभी सरकारी योजनाओं सरकारी स्कीमों से खेल में लाने के लिए स्कीमों से जागरूक किया जाएगा और उसको लाभान्वित किया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे लीगल कैंप था राष्ट्रीय लोक अदालत पर हो रही है अगर आपने यहाँ डिस्पोज कर दिया तो वहाँ काउंट नहीं होगा ऐसा कुछ। अगर मान लीजिए कुछ आपने आधा जो आपके एप्लीकेशन से उनको डिस्पोज ऑफ 8 तारीख को कर दिया तो भी वो 12 में काउंट होगा। ठीक है, तो ये आप पेंडिंग मत रखिएगा कि हम 12 को जाके ये सारा काम करें।
आपके पास अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो आपको विद इन टाइम उसको डिस्पोज करिए, वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डे में काउंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते। आज जो बैठक आयोजित की गई है उसका मेन उद्देश्य जो 8 तारीख को लीगल कैंप, मेगा लीगल कैंप आयोजित किया जा रहा है, उसके संबंध में सभी विभागों को और जो हमारी 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके संबंध में आयोजित की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी स्कीम्स है, जो भी हमारी योजनाएँ हैं, उसको जन जागरूकता उसकी हो सबसे पहले तो, और उसको हम लास्ट हमारा जो टारगेट है कि हर एक लाभार्थी तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे उसके संबंध में है, जिसमें तहसील स्तर पे हम लोग पहले प्री मेगा लीगल कैंप आयोजित कर रहे हैं, 6 तारीख तक वो हमारे सारे तहसीलों में लग जाएंगे, जिसमें सभी विभाग अपना अपना स्टॉल वहाँ लगाएंगे और जो भी हमारी लाभार्थी परक योजना है उनके बारे में वहाँ अवेयर करेंगे, और कोई भी अगर लाभार्थी वहाँ उस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। उसके उपरांत 8 तारीख को प्रेक्षागृह में मेगा लीगल कैंप का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें पुनः अगर कोई लाभार्थी वंचित रह जाता है, तहसील स्तर पर नहीं पहुँच पाया, तो वो अपना वहाँ पर आकर उस पर्टिकुलर योजना का लाभ उठा सकता है। और इसी प्रकार जो हमारी 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिस्पोजल करना है, जिसमें सभी हमारे SDM साहबान, हमारे BDO साहबान और अन्य अधिकारी जो भी इसमें ज़रूरी हैं उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे गोरखपुर में मैक्सिमम जितने हमारे केस हैं वो डिस्पोज हो सकें।